आखिर राम मंदिर के नीचे टाइम कैप्सूल को क्यों डाला गया है, और क्या सच में राम मंदिर मस्जिद के ऊपर बनाया गया है, या फिर ये मंदिर में कितना किलो का घंटा लगा होगा, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। नंबर 10, राम मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है जो कि 70 एकड़ में फैला हुआ है। वहीं दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर कोलंबिया में है जो कि 420 एकड़ में फैला हुआ है। नंबर 9, राम मंदिर के नींव के 200 फीट नीचे जो टाइम कैप्सूल को डाला गया है उसमें मौजूद मंदिर और दुनिया से जुड़ी सारी जानकारी का डेटा रिकॉर्ड किया गया है ताकि आने वाला जनरेशन हमारी संस्कृति और हमारी दुनिया के बारे में सब कुछ सही तरह से जान सके। नंबर 8, राम मंदिर को बनाने के लिए एक भी स्टील का यूज नहीं किया गया है, बल्कि इस मंदिर को बनाने के लिए अभी तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज करके इसे वही ट्रेडिशनल स्टाइल में बनाया गया है ताकि लोगों की आस्था इससे जुड़ी रहे। नंबर 7, राम मंदिर को बनाने के लिए जो भी ईंटे का यूज किया गया है वो सारे ईंटे में राम 2023 लिखा हुआ है, लेकिन इसमें फैक्ट्स वाली बात यह है कि वो अब तक की दुनिया की सबसे मजबूत ईंटे हैं जो कि पहली बार किसी मंदिर में लगाई गई है। नंबर 6, क्या आपको पता है कि राम मंदिर को बनाने में जितने पानी का यूज किया गया है वो सारे पानी भारत के अलग अलग नदी और कुंड से लाई गई है। नंबर 5, इस मंदिर में जो घंटे लगाए गए हैं वो भी 620 किलो का है जिसे रामेश्वरम से लाया गया है और इस घंटे की गूंज बहुत दूर तक सुनाई देती है। नंबर 4, राम मंदिर को बनाने के लिए जो स्टोन इसमें इस्तेमाल किए गए हैं वो स्टोन वही स्टोन है जिन स्टोन से पिरामिड बने थे, इसीलिए कहा जा रहा है कि इस टेंपल की उम्र 10,000 साल होने वाली है। नंबर 3, राम मंदिर का लेआउट बनाने के लिए भी भारत के 2500 से भी अधिक पवित्र स्थानों से मिट्टी को लाया गया है जिसमें शिवाजी किला, यमुनोत्री, स्वर्ण मंदिर, झांसी, चित्तौड़गढ़ और हल्दी घाटी जैसी पवित्र स्थान शामिल है। नंबर 2, इंजीनियरों द्वारा बताया गया है कि राम मंदिर भूकंप प्रूफ है क्योंकि 8 से लेकर 10 रिएक्टर स्केल का भूकंप आराम से झेल सकता है। नंबर 1, कई लोगों का मानना है कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद के ऊपर बनाया गया है, लेकिन असल में जहां राम मंदिर बना है वह जगह बाबरी मस्जिद से 3 किलोमीटर दूर है।